अच्छा तभी तो इन जैसे हो रहे आजकल की वो देख चलो उल्लू लड़ झूला यार चला पे तुम भी ले लो मेरी मुआ। सो हे टीम व्हाट्सएप कैसे हो आप सब। सो गाइस दिस इज मुस्तफा अली और आज होने वाला है हमारा क्यू एन ए जो कि हमने बहुत टाइम से जो है इसको इसके सवाल तो मैंने काफी टाइम पहले से ले लिए थे लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मेरे दोस्त कब फ्री होंगे और आज माशाल्लाह ये सेलिब्रिटीज जो है वो फ्री है और आज होगा हमारा क्यू एन ए वीडियो। आज इन सब की असलियत बाहर आएगी ये क्या करते हैं और इनके बारे में जो सवाल आए वो बहुत ही काफी खतरनाक है। अच्छा आप जो है सीरियसली जो है हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको जवाब मिलेगा एक एक करके मैं सबको सारा सब एक मतलब एक एक बात बताऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या सीन है क्या नहीं है और जो सवाल है वो काफी पर्सनल हुए हैं लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल का मैं जवाब दूं आप लोगों को। पहला सवाल ये है कि भाई आपकी मैट्रिक में कितनी परसेंटेज आई थी। तो यार ये काफी पर्सनल सवाल है तो दो सप्लियां आई थी इसकी दो सप्लियां देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ 60% मेरी आई थी उसमें मैट्रिक में लेकिन मेरी सप्ली कोई नहीं आई थी मैं क्लियर हो गया था। अच्छा बात यह है मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं तो इसलिए इस तरह के सवाल तो किया ही नहीं किया करो मुझसे। दूसरा सवाल यह है कि भाई आपकी एज और आपकी इनकम कितनी है। मेरी एज जो है भाई वो है 18 अगर घर वालों के टुकड़ों पे पलता ही है मेरी एज जो है वो है 18 और इनकम जो है ये पर्सनल बात है बताते नहीं इनकम कितनी है पैसा छुपा के रखने का सही है लेकिन ये बता देते कि दो ऑल्टो आ जाएगी भाई मेरी इनकम जो है वो आपको राय पे बताएंगे कि मेरी इनकम कितनी है। भाई ये पूछ रहा है कि मेरी इनकम कितनी है यूट्यूब की है भाई दो ऑल्टो आ जाएगी आराम से वो वाली जो अच्छी चीज के लिए वो वाली। व्लॉग भी बनाते हो और इंस्टा पर रील्स भी उसको एडिट करने में टाइम तो लगता है तो पढ़ाई कब करते हो। तो यार ये पढ़ाई तो हमारी किताब में है ही नहीं तो इसलिए पढ़ाई करते ही नहीं है तो हम सब अपने सारा टाइम अपने काम को देते हैं। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा पर नाइट क्या कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं। तो यार ये सवाल है कि मुस्तफा भाई शादी कब कर रहे हो। बिटवीन आई एम फैन ऑफ यू भाई मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और दूसरी बात ये है कि शादी के लिए एक लड़की चाहिए होती है जो कि कोई भी नहीं देगा मुझे। और अब नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो ये है भाई आपके घर का एड्रेस क्या है क्यों। ओ ये अबे ये गुज्जर नाले के बराबर में सारी जिंदगी गुजारी है ना मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। आखिरी सवाल है इस पेज का हमारा क्या आप लेस्बियन हो। भाई ये होते हैं लड़के लेस्बियन नहीं होते तेरे घर में लेस्बियन होते हैं क्या। अच्छा मिल गया भाई को जवाब चलो नेक्स्ट भाई आप ये सवाल है क्या आप एंगेज्ड हैं। नहीं मैं बिल्कुल भी एंगेज्ड नहीं हूँ मेरी कोई सेटिंग नहीं है और हराम काम से मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। भाई ये वाला सवाल है भाई बच्ची करवा दो एक दो। भाई मेरी शिकल देख रहे हो मुझे खुद नहीं मिल रही आजकल। अच्छा नेक्स्ट सवाल है भाई इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो रोज फूड ब्लॉग होता है आपका बस जनरली पूछा है। अबे सारी जिंदगी मांग के खाया इसने और ये तो मैं लगता जी बहुत नाजुक सूरत हाल है वैसे देखा है भाई वो जो होता है फूड जो होता है वो मेरा PR होता है तकरीबन जो है ठीक है और हम खाना खाने के पैसे देते नहीं बल्कि पैसे लेते हैं खाना खाने के। अच्छा नेक्स्ट सवाल है वही सवाल है फिर शादी कब कर रहे हो और चैनल मोनेटाइज हुआ। यार चैनल मोनेटाइज होने वाला है बस तुम लोग थोड़ी सी सपोर्ट करो यह है कि चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन यह है कि शादी के लिए वही बात कहूंगा कि एक लड़की की जरूरत होती है जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली है तो वो इंशाल्लाह जैसी मिल जाएगी तो शादी भी कर लूंगा मैं फिर मैं फिर वो डेली व्लॉगर्स की तरह शादी का कॉन्टेंट बनाऊंगा शादी का खर्चा निकल जाएगा मेरा भी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल है मेरी बर्थडे पे बिना केक खाए चला गया यार जान तुमने यार देर कर दी थी अल्लाह की कसम वरना मैं आपका केक क्या बहुत कुछ खा के जाता आप टेंशन नहीं लो क्या क्या फिर कभी आपकी बर्थडे इंशाल्लाह आएगी तो आपको जो है आप मुझे केक खिलाना आप मुझे ट्रीट देना। अच्छा यहाँ पर एक सवाल है एक बंदे ने सवाल किया है राहिब और राफे आपके कौन हैं और हर वक्त साथ क्यों होते हैं। ये हमारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी बैगम है और वो हमारा गर्ल फ्रेंड है। मैं बताता हूँ बाप औलाद के साथ ही होंगे ना और किसके साथ होंगे क्या बोला तूने। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको कॉलेज में लड़कियाँ आपके कॉलेज में लड़कियाँ कैसी हैं प्यारी हैं या छपरी मत पूछो यार मत ये तो पूछो ही नहीं ये राय देगा ये सवाल राय भाई तकलीफ करके आगे आया हूँ तो इसका सवाल ये जो आपने सवाल किया है ना इसका जवाब मैं प्यारे अल्फाजों में मीठे अल्फाजों में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको
कहीं मैली या कहीं कोरंगी कहना तो समझ जाना वो कैस्पियन कॉलेज की लड़कियां जजाकल्ला। खैर मैं तो देखता नहीं हूँ लड़कियां, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। इन लोगों को पता है ये लोग जाते हैं कॉलेज, में तो जाता नहीं हूँ। सही है, जाता हूँ तो लेकिन देखने नहीं जाता। अच्छा नेक्स्ट सवाल ये है आपकी, तो भाई मैं नहीं कर रही अब सवाल जो है वो ये है, आपका एम क्या है व्लॉगिंग के अलावा, आपकी लाइफ का क्या गोल है? मेरी लाइफ का गोल यही है कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, एक सक्सेसफुल व्लॉगर बन जाऊं मैं, और बस यही मेरा गोल है। और एक बिजनेस करूंगा मैं इंशाल्लाह, जो कि मैं कर भी रहा हूं और उसमें कामयाब हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट सवाल है वो ये है, क्या मिला कॉलेज से या गरीब हो गए? प्रॉपर गरीब हो गए, कुछ नहीं मिला, हर महीने पैसे ले लेते हैं बस। नहीं कॉलेज माशाल्लाह बहुत हमारा अच्छा है, मिसाल नहीं दे सकते। अब है सवाल, अगर वो मिल जाए जमाना छोड़ देगा, छोड़ देगा या आगे? भाई तुझे पढ़ना नहीं आता, दिखा मैं पढ़ पढ़ के बताऊं। अबे काहे काहे ये लिखा हुआ ना, अगर वो मिल जाए जमाना छोड़ देगा आप समझदार हैं, आगे आप समझ। नहीं यार वो चाहिए ही नहीं, अब कचरे के डब्बे में डाल दो उसको। तो सवाल है, एक दिन का कितना कमा लेते हो? तो यार एक दिन का हम आराम से कोई डेढ़ दो करोड़ आराम से एक दिन का कमा लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा अब सवाल है, मुस्तफा का मकसद एक ही है, खाना खाना खाना, और वो वाकई में यही है कि मेरा मकसद यही है, खाना खाना और खाते ही रहना, जो कि मैं अभी भी करके आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट सवाल ये है, हे ब्रो आप तो गोरे हो, आपकी बहुत सारी जीएफ होंगी भैया। भाई मैं गोरा जरूर हूँ लेकिन मेरे पास जीएफ एक भी नहीं है, तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा। तो ये है कि जिसको भी पसंद आए, जिसको भी मैं पसंद आ जाऊं तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? गोरा नहीं, गोरा है। अबे वो भाई देखा भाई, सो गाइस फाइनली वो सवाल आ चुका है जिसका मुझे काफी टाइम से वेट था, कि मैंने भी उसका जवाब भी दिया है पिछले उसमें। तो सवाल ये है कि आप शादी कब कर रहे हो, व्लॉग का इंतजार रहेगा? तो भाई मैंने बताया आपको कि मैं भी डेली व्लॉगर्स की तरह शादी जब करूंगा तो फुल मैं अपना समझ लो कंटेंट भेजेगा, फुल अपना हर एक एक चीज का मैं आपको कंटेंट भेजूंगा शादी में, मेरी माइयों मेरा ये मेरा वो सब, आप बस वायरल करना, मेरा शादी का खर्चा वैसे निकल जाएगा, फिर अगली शादी उस खर्चे से कर लेंगे। अच्छा हमको सिखा रिया है, कितनी करनी है? दो तीन करेंगे इंशाल्लाह, नहीं चार करेंगे, पूरी सुन्नत पूरी करनी है। बिल्कुल ये भाई क्वेश्चन है कि राय पर कौन सा महीना चल रहा है बताओ। मैं गाली नहीं दे सकता वरना मैं ऐसी ऐसी गाली दूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्लॉगिंग बनाना शुरू कर दिया, व्लॉग बनाना शुरू कर दो डेली व्लॉगिंग। तो भाई अगर इस व्लॉग पर हमारे जो है वो 1K व्यूज भी आ गए, अगर वैसे तो हम इतना एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप लोगों की प्यार मोहब्बत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर का क्या सीन है, कब चलना है? तो भाई टूर का सीन भाई साहब ये, अबे तो ये रात 12 बजे घर से इजाजत नहीं मिलती और तू टूर पे जाने की बातें कर रहा है। तो भाई आपने जवाब सुन लिया है, अब्बा की कॉल आ रही है घर जा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कब आ रहे हैं फिर पेशावर मिलने? तो भाई बताओ भाई, गुरुजी ने सवाल किया कब आ रहे पिशावर मिलने? इतना बड़ा आगे मैं भूल नहीं सकता ना अभी। सही है, ये हमारे बहुत हर दिल अजीज दोस्त हैं जो कि हमारा मुल्क जो है, ओ हमारा शहर कराची जो है वो छोड़ गए हैं, पिशावर शिफ्ट हो गए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम इंशाल्लाह मैं मेंशन करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी चलो कर देता हूँ, ये है हमारे वन एंड ओनली सिबगतुल्ला। अब दूसरा सवाल है, आपका यूट्यूब चैनल भी है? नहीं यार मैं आईएमओ पे वीडियो डालता हूँ। onlyfans.com। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल ये है कि राफे वीडियो में प्रेग्नेंट लगता है, राफे भाई बेटा तुम्हारे घर में इतने पतले लोग प्रेग्नेंट होते हैं। अच्छा तभी तो इन जैसे हो रहे हैं आजकल, क्यों दिख रहे तुम्हें यहाँ पे ऐसे? अच्छा यार नेक्स्ट सवाल ये है कि जानी आपका इतना वेट कर लिया, कब आ रहे हैदराबाद? तो यार इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा। हम आ रहे थे इस बंदे ने हमें डूबी कराई है, हम पक्का अल्लाह की कसम आ रहे थे हैदराबाद। मैं तो आ भी गया था, ये बंदा अकेला आया भी था, देखो मैं इस बात को गवाही दूंगा, ये बंदा अकेला आया भी था, मैं पक्का मेरा पूरा प्लान हो गया, हमारा सब कुछ हो गया कि हम जा रहे हैं हैदराबाद, लेकिन ये हमारे राहिब भाई है ना, इन्होंने टोपी दी, ऐसी इन्होंने टोपी नहीं इन्होंने टोपा दिया हमारे, तो इसलिए हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा ओहो इतना लंबा पेज, इतना बड़ा। अच्छा भाई राफे जो है वो थोड़ा सा काम, उसको थोड़ा सा काम है, भाई हम घर वाले, हमारा घर बार है, इनका घर बार नहीं, हमारा घर बार है यार। तो यार ये जा रहा है, अल्लाह हाफिज कर दो, टाटा कर दो, मोबाइल लेना जरा उठा के। अरे बड़े चलो उल्लू झूला, अरे बड़े चलो उल्लू झूला।
अच्छा भाई, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जिम कब से जा रहे हैं भाई? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जिम जाओ, बहुत खा रहे हो, बहुत आपका वजन बढ़ गया है, तो इसलिए बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है जैसी हमारा दिल करता है उस दिन हम फिर इंशाल्लाह जिम चले जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप कभी हैदराबाद आओगे क्या फूड ब्लॉगिंग के लिए? भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मैं तो खैर हैदराबाद से बहुत हमारी पुरानी वो है, इंशाल्लाह हम हैदराबाद आएंगे भी और वहाँ के फूड ब्लॉग्स बनाएंगे भी, और जब आऊंगा तो आप सब लोगों से रिकमेंडेशंस लूंगा कि कहाँ की वीडियोस बनानी है। वैसे तो थोड़ी बहुत मुझे खुद को ही पता है, लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं आऊंगा और आप सबको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफ़ा भाई, अबे यार ऐसे सवाल नहीं किया करो यार, स्किप कर दे। खैर नेक्स्ट है फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर भाई इरफान जुनेजो, आप फैमिलीज के लिए कोई सस्ती और अच्छी डील क्यों नहीं बनाते? भाई इतनी सारी तो डील्स बनाई है, जाकर देखो ना इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो वहाँ पर, और वहाँ बहुत सारी वीडियोस हैं फैमिली डील्स की। अच्छा भाई ये था हमारा Q&A का व्लॉग, जिसमें आपको मैंने सब सारे पहले मैंने कोशिश की कि भाई मैं ठीक तरीके से जवाब दे सकूँ, मैंने अच्छे से अच्छा, गंदे से गंदा सारे सवाल के जवाब दे दिए। अब आप सबने करना ये है कि मेरे यूट्यूब को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और जो है आपने इस व्लॉग को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और मुझे रिकमेंड करो कि हमें और किस चीज़ के व्लॉग बनाना चाहिए, फूड से रिलेटेड कहाँ जाकर व्लॉग बनाना चाहिए, मुझे रिकमेंड करो। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, चुम्मी ले लो मेरी।